हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं मनीषा पानीपुरी और भेल की दुकान में, जिनके ओनर जो है जकनाड़े जी। इनसे हम इस बिज़नेस के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनकी इच्छा है कि उनका भेल पानीपुरी का बिज़नेस शुरू करें, तो उसके ऊपर आज हम आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे इस बिज़नेस में। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपको इस बिज़नेस में लगभग कितना वक्त हुआ, कितने दिन से आप ये कर रहे हैं इस बिज़नेस में? हमारे तो अभी तो करीबन हो गए, देखो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? अच्छा, 20-23 साल हो गए। अच्छा, 97 में हमने ये चालू किया था। अच्छा, 1997। अच्छा, उसके बाद जो पहले हम ठेला लगाते थे, अच्छा, गार्डन के बाजू में। अच्छा, उसके बाद हम बाद में ये इधर का जगह थोड़ा सा किराए से ले लिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये अभी दुकान में डेवलपमेंट हो गया इसका। अच्छा, आपने 4-5 ब्रांच चालू है अभी? 4-5 ब्रांच खुद की चालू है? खुद की। पहले आपने हाथगाड़ी का ठेला था? अच्छा, 4 पहिया वाला। सर, ये जो पानीपुरी और भेल का जो दुकान है, ये शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंसेस वगैरह लगते हैं? पहले ठेला लगाते थे उस टाइम पे लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अभी जैसे शॉप हो गया ये, उसके बाद में उसमें अपना फूड का आता है, फूड लाइसेंस आता है, उसमें शॉपेक आता है, शॉपेक, हाँ, अन्य पदार्थ वो उसका एक आता है, ये 3-4 होना जरूरी है। अच्छा, तो 3 लाइसेंस अगर रहेंगे, लाइसेंस रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं आती। और इसमें लगभग कितना खर्चा आता है लाइसेंस में? लाइसेंस में क्या करीबन बोले तो 1-1.5 हज़ार रुपये रिन्यू करने के लिए आता है। स्टार्टिंग में 3 एजेंट पकड़ो तो 2-2 हज़ार रुपये पकड़ के चलो, 6 हज़ार रुपये तो लग जाता है। 6 हज़ार में लाइसेंस हो जाता है? तो एक बार ये लाइसेंस मिल गया तो कोई भी बिजनेस में शुरू कर सकता है। और सर, ये जो भेल पानीपुरी का जो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस अच्छे से चलने के लिए किस कौन सा लोकेशन सबसे बढ़िया है इस बिज़नेस को चलाने के लिए? ये बिज़नेस चलाने के लिए कैसा है, क्राउड कैसा होना चाहिए? फैमिली कस्टमर, फैमिली कस्टमर। और पार्किंग के लिए एकदम साफ सुथरा जगह, जो नहीं क्या ग्राहक कैसे कस्टमर आने के बाद जो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इधर गाड़ी पार्क होने के बाद कोई उठा के लेके जाना पड़ेगा, फैमिली रहेंगे तो खाते टाइम पे कोई टेंशन नहीं आना उनपे। ऐसे मेन रोड से थोड़ा सा गली में ये बाजू में एकदम बढ़िया चल सकता है, लोगों को कैसा टेंशन फ्री रहते है, गाड़ी लगाएंगे आएंगे, ट्रैफिक का टेंशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें चल जाता है। तो रेसिडेंशियल एरिया वगैरह? उसमें चल जाता है, रेसिडेंशियल एरिया में चल जाता है। थोड़ा सा नजदीक गार्डन वर्डन हो तो और भी बढ़िया चलेगा। अच्छा, रेसिडेंशियल एरिया, गार्डन वगैरह, गार्डन वगैरह चलेगा। और सर, ये जो भेल पानीपुरी का जो दुकान है, ये दुकान क्या एक इंसान चालू कर सकता है या किसी एक आदमी की जरूरत होती है, जैसे कोई लेबर लगता है इस बिजनेस को शुरू चलाने के लिए? स्टार्ट में एक या दो आदमी से चल जाता है, लेकिन तुम्हारा क्राउड बढ़ेगा तो हर काउंटर को एक एक लड़का चलेगा, बोले तो कस्टमर को भी सर्विस फास्ट मिलेगा। और स्टार्टिंग में 1-2 आदमी में हो सकता है, ये नहीं कि एक जन कैश ले रहा है, एक जन बेल बना रहा है, एक जन चार्ट बना रहा है। अच्छा, 2 आदमी में हो सकता है? हो सकता। हाँ, पहले स्टार्ट में हम दोनों भाई ही बना देते। अच्छा, मतलब मैं और मेरा बड़ा भाई। ओके, हाँ, मतलब सर जैसे एक मालिक है और एक लेबर को रखा है, हाँ, तो दो में काम स्टार्ट में वो चल जाता है, चल जाता है। और इसमें लेबर को कितना सैलरी वगैरह देना पड़ता है? सैलरी बोले तो एक ऐसा चाट का जो बिजनेस है, ये 4 बजे से 10 बजे तक चलता है, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, शाम को 4 बजे अगर स्टार्ट करेंगे तुम तो 10 बजे तक इसका क्राउड रहता है। अच्छा, आदमी लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। इसके बाद में कैसे डिनर का वो खाने का ही हो जाता है उनका, इसलिए 10 बजे तक बोले तो भी 4-5 घंटे के लिए स्टार्ट में 1-9 हज़ार तक अभी पेमेंट जाता है। पहले हमारे टाइम पे तो हम 3-4 हज़ार में चल जाता था। अच्छा, हाँ, अच्छा, अभी कैसा एक रोज का 300 रुपये पकड़ के चलो। अच्छा, मतलब 4 बजे से लेके 10 बजे तक? हाँ, तो लगभग 9 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये चल रहा है। इसे पुणे सिटी में इतना है, बाहर कम हो सकता है? कम हो सकता है, है ना, क्योंकि पुणे में। और कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाला है तो उससे ही सस्ते में करता है, बोले तो 4 बजे से वो दूसरा काम करके आने वाला रहेगा तुम्हारे पास, तो 3-4 हज़ार में कर लेता है 3-4 घंटे के लिए। 3-4 बराबर। और सर, ये भेल पानीपुरी का काम सीखने में लगभग कितना वक्त लगता है और एक नया दुकान को सेट होने के लिए कितना टाइम लगता है? भेल पानीपुरी का बिजनेस सीखने का बोले तो अभी तो बहुत इजीली हो गए हैं, सब रेडीमेड मिलता है, बोले तो पूरी बाहर से आती है, पर्सन आपको बाल से जाता है, सिर्फ इसका जो चटनी रहता है वो सीखने के लिए 8-15 दिन ठीक है। अच्छा, नहीं क्या जो अच्छे से सीखे वो ध्यान दे के तो 8-15 दिन में भी सीख सकता है। और इसका धंधे का जो ये बोले तो सेट होने में जब आप क्वालिटी देंगे, क्राउड बढ़ाएंगे, साफ सुथरा स्वच्छता विच्छता रहेगा, पूरा क्लीन, तो उसके हिसाब से 1.5 साल में सेट हो जाएगा। 1.5 साल में? हाँ, जो कस्टमर को रिप्लाई अच्छा मिलेगा तो क्वालिटी बेटर लगेगी आपकी, तो 1-1.5 साल लगभग लग जाता है पूरा सेट होने। हाँ, पूरा सेट। और सर, ये भेल पानीपुरी का जो बिजनेस है, इसमें
कम से कम, जैसे किसी को अगर शुरुआत करनी है, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, जैसे फर्नीचर में कितना लगता है, मटेरियल में वगैरह कितना खर्चा लगता है? अगर शॉप ही चालू करने का रहेगा तो रेंट से लेके तो उसका काउंटर विंटर पकड़ के लगभग देखो उसका डिपॉजिट देके कम से कम नहीं बोले तो भी 1-2 लाख में हो जाता है। अच्छा, 2 लाख में अगर पूरा फर्नीचर सब हो जाएगा उसमें, उसके काउंटर आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा, ये हिसाब से। तो 2 लाख में अगर दुकान है खुद की तो 2 लाख तक चालू हो सकता है। पूर्ण एसएस में फर्नीचर होगा, एसएस में फर्नीचर होगा, 1-2 काउंटर होंगे, कैश काउंटर होगा, ये हिसाब से 2 लाख तक बैठ जाता है उसका। तो 2 लाख रुपए में आपका पूरा मतलब बढ़िया क्वालिटी का दुकान चालू होगा पूरा स्टेनलेस स्टील में। और अगर कोई कम से उससे भी कम बजट में अगर जैसे करना है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अभी स्टार्ट में लोग कैसे करते हैं, छोटा मोटा ही काउंटर लगा के ही चालू करते हैं। हाँ, शुरू में लोग कम से शुरुआत कर सकते हैं, कम से शुरुआत कर सकते हैं, बाद में जैसा बढ़ता है वैसे बढ़ा सकते हैं। और सर, अगर कोई इंसान अगर ये दुकान रेंट पे लेके शुरू करना चाहता है तो क्या ये पार्ट टाइम बिजनेस रेंट में दुकान लेके शुरू करना पड़ता है, और इसका रेंट लगभग कितना होना चाहिए? पार्ट टाइम बोले तो अभी देखो कैसा है वो, पार्ट टाइम बोले तो इसमें पूरा दिन जाता है सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, पूरा दिन पार्ट टाइम नहीं कर सकते इसमें, अगर करना है मतलब तो क्वालिटी नहीं जाएगी। अभी कैसा सका, सुबह उठ के अपन मार्केट जाना चाहिए, वो पूरा फ्रेश भाजी रहेगा, उसना चटनी पीसने का रहेगा, पुदीना रहेगा, कोथिंबीर रोज का रोज लाएंगे, वो रोज का रोज सर्विस मिलेगा ग्राहक को, तो वो टेस्ट में अलग पड़ता है। अगर ये दूसरे जगह काम करके ये करना पड़े तो बहुत ही बोले तो ये हो जाएगा उसको। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये था जैसे 4 से 10 हाँ तो टाइम है, तो दुकान सुबह भी खोल सकते हैं? हाँ, सुबह भी खोल सकते हैं। अच्छा। इसमें पूरा दिन चला जाता है, सुबह उठ के और पूरा चटनी विटनी मटेरियल विटरियल जमा करने में 4 बज जाते हैं। बराबर, खा पी के पूरा। तो मतलब इसमें भले ही शाम से 10 बजे तक दुकान चलती है पर इंसान पूरा दिन भर बिजी हो जाता है। जो ओनर है उसको सुबह से भागना पड़ता है, सुबह से बोले तो हाँ, जो वर्कर का जाने दो, ओनर को सब जमा करना पड़ता है ना। सही, ये लेके आओ वो लेके आओ, जो आपने को कस्टमर को क्वालिटी देना है तो ये मेहनत इतनी लगती है, ये पार्ट टाइम में नहीं हो सकता, पार्ट टाइम ये फुल टाइम में होता, फुल टाइम पे होगा। और अगर कोई किराए का दुकान लेता है तो ये सुबह 10 बजे भी अगर चालू करता है 11 बजे तो बिजनेस होता है इसमें? हाँ, बिजनेस होता है ना। अभी हमारा ये 11 बजे चालू हो जाता है, 11 बजे अभी हमारे को 4 बजे तो अच्छा रिस्पॉन्स है पहले से, पहले हम 4 बजे खोलते थे। अच्छा। लेकिन अभी 8-9 साल हो गए हम दुकान में भी चालू रहते हैं, दुकान में मार्केट आता है तो कैसा मटेरियल रेडी रहता है, तुरंत गिराज को खाली में मिलता है, फिर वापस नहीं जाते, कोई कॉलेज स्टूडेंट हो किधर से आए बाहर से तो मनीषा का नाम जान ले तो आ जाते हैं। तो अगर आप दोस्तों अगर आप दुकान किराए पे लेते हैं तो सुबह आप जैसे सर ने शुरू किया वैसे आप 10 बजे या 11 बजे शुरू कर सकते हैं, दिन भर आपका बिजनेस होता रहता है। होता और सर इसमें लगभग कितना रेंट मतलब अफोर्ड कर सकता है कोई? अभी एरिया के ऊपर वो डिपेंड होता है ना सर। बराबर, जैसा अभी ये एरिया में कैसे चल रहा है, मेरे इधर कम से कम 50,000 रुपये रेंट चल रहा है। अच्छा, अगर उसका 50,000 से लेकर स्टार्ट करेगा तो सक्सेस नहीं होगा ना। जैसा कम से कम 20-25 तक रेंट रहेगा तो उसमें मार्जिन में हो जाएगा उसका। अच्छा। अगर उसका 2-4 हज़ार रुपये धंधा तो भी हो रहा है तो 20-25 में पर हो जाएगा उसका। अच्छा, मतलब अगर 20,000 रेंट है हाँ तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट में हो सकता है। और ये पानी पूरी में लगभग कितने पानी में कितना पानी पूरी बनता है और कितना पैसा बचता है एक प्लेट पानी पूरी के ऊपर पीछे? अभी देखो कैसा है, कुछ लोग लो क्वालिटी वाला पूरी यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला पूरी यूज़ करेंगे हाँ तो उसमें मिर्ची भी स्टैंडर्ड वाली रहना चाहिए, सब मटेरियल स्टैंडर्ड रहेगा हाँ तो कम से कम 50% बच जाता है। 50% मान लीजिए। अच्छा, मतलब अगर मान के चलो अगर कोई 10 रुपये में बनाता है तो 20 रुपये में बेचना चाहिए, 15 में बनाता है तो बराबर। हाँ, मतलब अभी अपना 15-30 रुपये रेट है इधर पानीपुरी का, पहले 25-20 ही था मेरा, अभी मार्केट की वजह से बढ़ाया वो। अच्छा, ऐसा गुड़ भी बढ़ गया, इमली बढ़ गई, इस हिसाब से अपन वो लोकल वाला नहीं यूज़ करते, लोकल वाला यूज़ जो हाई क्वालिटी का रहेगा जो साफ सुथरा रहेगा वो यूज़ करेंगे ना। गिराइक से पैसा मांग के लो, वो गिराइक देने देता है, सही। अगर आप क्वालिटी देंगे तो गिराइक पैसा देने में हरकत नहीं है। सही बात। हाँ, इसलिए जो चीज़ है वो सब अच्छी लेंगे तो महंगा जाएगी, महंगा जाएगा, सही बात। तो महंगा बेचेंगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही, 50% प्रॉफिट मिलता ही। अच्छा, मतलब अगर आप भेल लेंगे पानीपुरी लेंगे उसमें सब में 50% प्रॉफिट। और सर ये भेल पानीपुरी के साथ और कौन से साइड आइटम इसमें चाट में आते हैं जैसे लोग? चाट में बोले तो भेल पानीपुरी के साथ साथ हम सैंडविच चलाते हैं, सैंडविच भी चलाते हैं, सैंडविच अपना कच्ची दाबिली, कच्ची दाबिली ये आइटम चल सकता है इसमें बोले तो। कैसे ये फटाफट सामने जैसे चाट बनता है वैसे ही बनता है। सही बात। इसको कोई नहीं बोले तो ना क्या डिप करते हैं, अगर तुम्हारा वो फ्राई करने की जरूरत नहीं, सही जो रहेगा सामने कट करके इसमें चल जाता है।
अपना इसके बाद में इसमें अभी तुम रगड़ापुरी, हाँ वो तो है, शेवपुरी रगड़ापुरी वो चाट में सब चला जाएगा, जैसा भेल है, पानीपुरी, शेवपुरी, दहीपुरी, ये सब आइटम इसमें आ जाते हैं। हाँ। उसके अलावा फिर से इसमें सैंडविच दाबिली हो सकता है, दाबिली भी अभी उसके बाद में आप करना चाहेंगे तो उसमें पिज्जा बर्गर भी हो सकता है वो सैंडविच दाबिली के काउंटर में। सही बात है, उसी में वो और एक साइड बिजनेस हो जाता है उसमें, मतलब अगर कोई दुकान लेता है तो ये सभी आइटम बेचेगा तो वो फायदे में, सब फायदे में। अभी अगर उसने वर्कर रखा है दाबिली सैंडविच का तो उसके लिए वो बर्गर और पिज्जा जानता होगा तो हो जाएगा ना, उसमें वर्कर का पेमेंट भी निकल जाता है, फायदेमंद रहेगा, फायदेमंद बोले तो गिराई का आएगा तो वारंटी मिलेगी ना, किसी को बेल खाने का है, किसी को पानीपुरी खाने का है, उसमें किसी का मन हो गया है कि सैंडविच खाना है तो सैंडविच भी मिल सकता है, बोले तो एक साथ चार पांच लोग आ गए तो सब वैरायटी मिल जाती है उनको, सब वैरायटी, इसीलिए वो सैंडविच दाबिली पिज्ज़ा बर्गर ये भी चालू कर सकते। तो दोस्तों अगर आप दुकान लेते हैं किराए पे, मान के चलो 20,000 अगर आप रेंट भर रहे हैं, तो ये साइड आइटम जैसे जैसे सर ने बताया कच्ची दाबिली है, पिज्ज़ा बर्गर, सैंडविच है, तो आपका ये रेंट निकलने में मदद हो जाएगी और आप जल्द से जल्द प्रॉफिट में आएंगे इस बिज़नेस में। और सर ये जैसे भेल पानीपुरी का जो मटेरियल है, जैसे इमली की चटनी है या फिर पानीपुरी का जो चने का मसाला वगैरह है, सर मान के चलो ये माल अगर बिकता नहीं है, एक दिन बिकता नहीं है, बचता है, तो क्या ये ख़राब होता है, फेंक देना पड़ता है या फिर दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के? एक ऐसा होता है जो तुम्हारे अंदाज से इसको भिगा के रखने का, अच्छा चना है ना, हाँ। उसको शाम में भिगा के रखने का। अच्छा, अगर आप भी आपको लग रहा है कि आज जरा धंधा डाउन है, चतुर्थी है, कुछ उपवास वगैरह है, हाँ हाँ। तो तुम जितना लगता है उतना चढ़ाओ गैस पे, अच्छा उतना पका के लेने का। अच्छा, ऐसा लगा अभी ये खत्म होने वाला है, अपने को आधे घंटा अभी दो घंटा धंधा करना है, फिर से आप पका सकते, हाँ। वो वेस्ट नहीं जाएगा, हाँ। दूसरे दिन फिर से धो के उसको यूज कर सकते, अगर पकाएंगे तो वो उस दिन वेस्ट जाएगा, वो नहीं रह सकता। इमली का चटनी रह सकता है आपका, अगर तीखा पानी भी नहीं रह सकता, तीखा पानी वो उसमें पुदीना पड़ता है, ये वो 4 या 5 घंटे में खराब हो जाता है। अच्छा, तो जैसा कस्टमर आएंगे वैसा करेंगे तो उसी में अच्छा रहेगा। और खाली इसमें चने में भिगो के रखे, हाँ, पानी में भिगे करो उसको कुछ नहीं होता है, हाँ। वो जैसा लगेगा दो कुकर के सिटी लगाए वो तुरंत रेडी हो जाता है ना आपके लिए, बराबर 15-20 मिनट लगते हैं 15-20 मिनट, बराबर। तो ये ज्यादा ऐसा करके स्टॉक करके रखने में मतलब नहीं है, मतलब खराब होने की संभावना है, जितना पका है वो तो वेस्ट जाने वाला है, गया नहीं तो फेंक देना पड़ता है, हाँ। जो आपके अंदाज से जैसे धंधा है वैसे करेंगे तो और बेटर रहेगा, और अच्छा, हाँ। सर ये अभी जैसे हम देखते हैं भेल पानीपुरी की कई सारे दुकानें खुलती है, नई नई दुकानें, कुछ दुकानें अच्छी चलती है, कुछ दुकानें चलती नहीं है, बंद करनी पड़ती है, तो सर अभी आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपको क्या लगता है कि क्या गलतियाँ होती है दुकानदारों से, नए दुकानदारों से, जिसके वजह से दुकानें चलती नहीं है? एक्चुअली क्या होता है उसमें ज़्यादातर लोग कैसे देख के करते हैं, अभी इनका चल रहा है मेरा होगा, हाँ हाँ। वो क्या करते हैं वर्कर पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादा, हाँ हाँ। वो खुद मालिक नहीं सोचते, अभी पार्टनर लिए मैं ऐसा खुद ओनर हूँ, खुद ओनर, अभी समझो आपने करने का ये बिजनेस, हाँ हाँ। तो आपको इसमें की जानकारी जानकारी आपका दूसरा साइड बिजनेस रहेगा, आपका कुछ अलग बिजनेस रहेगा, हाँ हाँ। तुम क्या बोलेंगे एक वर्कर लेंगे इसको लगा के देंगे ये करेंगे, वर्कर क्या करता है आधा पैसा जेब में डालता है आधा मालिक को देता है, आधा मालिक, इसके वजह से उसको भी पूरा उसका ये अंदाज नहीं आता कि धंधा कितना हो रहा है क्या कितना हो रहा है, हाँ। फिर बाद में उसको कुछ बोला तो वर्कर निकल जाते हैं वो बंद पड़ जाते हैं, हाँ। बोले तो ये खुद करना मांगता है, मतलब पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रह के चलता है, करेंगे तो तुम्हारे को इसमें क्या पूरा गारंटी अंदाज है कि ये अपन कर सकते हैं इसमें कितना प्रॉफिट है सब देखते तो वो नहीं बंद हो सकता, बराबर वो चल जाएगा पूरा। जैसे आपने शुरुआत की थी तो आप शुरू में खुद बनाते थे, हाँ हम अभी भी खुद ही बनाते हैं, आज भी खुद बनाते हैं, हाँ, मैं मेरा भाई दोनों में मार्केट देखते हैं सब पानी से लेके सब हम खुद ही बनाते हैं, हाँ, हाँ। के लिए भी हम सब घर वाले हैं, चार ही दुकान पे एक पे माँ एक पे पापा है एक पे भाई बैठता है एक पे मैं बैठता हूँ सब घर वाले देखते हैं हम, सिर्फ वर्कर लोगों पे हम डिपेंड नहीं है, जो रहेगा हमारे सगे वाले जो भाई के लड़के हमारे जीजा है यही ज़्यादा हमारे घर के ही आदमी ज़्यादा है हमारे पास बोले। सर ये भेल पानीपुरी का बिजनेस जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है तो ये ऑनलाइन भी चलता है, ये इसका सेल होता है क्या, इस पर रिस्पॉन्स है ऑनलाइन बिजनेस में? ऑनलाइन पे रिस्पॉन्स इतना नहीं है, अच्छा भेल पानीपुरी आइटम ऑनलाइन जाने से जो लोग ज़्यादा करके जिधर है उधर, हाँ। आके खाना पसंद करते, बराबर। ऑनलाइन में कैसा होता है अगर इधर से वेल बना के दो, हाँ। बना के वो 10 मिनट होने के बाद ऑनलाइन वाला आएगा, हाँ। फिर इधर से 10-15 मिनट के बाद उनके पास जाएगा तो वो पूरा नरम गिर जाता है, उसमें क्वालिटी नहीं मिलता, क्वालिटी नहीं मिलता और टेस्ट भी नहीं आता, वो उसका कुछ मज़ा नहीं रहता, मज़ा नहीं रहता, इसलिए जो चाट आइटम है वो ऑनलाइन में ज़्यादा इग्नोर नहीं करते। आप भी ऑनलाइन इसको है मेरे इधर पर इतना उसको क्राउड नहीं मिलता, क्राउड, हाँ। तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे था तभी बंद ही रखा था हमने,
अच्छा, लेकिन इतना उस पर ऑर्डर नहीं करते। ऑनलाइन जो नजदीक नजदीक रहेंगे, जिसको नए जाने का है तो वो उधर के उधर मांगे, लेकिन बाहर वाला ऑर्डर ज्यादा नहीं पड़ता। जैसे खाने का रहेगा वो चल जाता है, ऐसे भी चाट वाला नहीं चलता है इतना, पर लोग थोड़ा बहुत पार्सल लेते जाते रहेंगे। हाँ, इधर से पार्सल लेके जाएंगे, उनको जैसा चाहिए वैसा वो सेपरेट। ऑनलाइन में कैसा 10% बढ़ा के रहते ना, इसीलिए वो दिक्कत होती है। चाट के लिए 80 रुपए देना, इधर आके 2 प्लेट खा सकते, ऐसा होता है। सर मान के चलो किसी दुकान का 15,000 रुपए रेंट है, तो उस दुकान को मान के चलो एक लेबर भी उसके पास है, तो उस दुकान को प्रॉफिट में आने के लिए लगभग कितना बिजनेस ये होना जरूरी है भेल पानी पूरी का एक दिन का? 15,000 अगर उसको रेंट है, उसके पास वर्कर एक दो रहेंगे, तो उसको कम से कम नहीं बोले तो रोज का 5,000 रुपए धंधा होगा तो भी वो फोर हो सकता है। मतलब 5,000 धंधा होगा तो सैलरी जाके वो प्रॉफिट में, सैलरी जाके वो प्रॉफिट में आ जाए। तो मान के चलो अगर आप 15,000 भी रेंट भरते, 5,000 का भी धंधा होता है, तो आप इसमें आसानी से प्रॉफिट में आ जाए। सर अभी आपका दुकान इतना इतना अच्छा चल रहा है, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके पेपर में वगैरह सर का पेपर में भी ऐड आ चुका है बहुत बार, तो सर क्या वजह है जिसके वजह से आपके कस्टमर आपके पास दोबारा आते हैं, आपका दुकान इतना चलता है? कैसा है हमारे कस्टमर का जो अपना जो क्वालिटी है, अपन रोज के रोज बनाते और ग्राहकों को फ्रीडम देते जो है उनके साथ फ्री में है पहले से। अभी हमारी मेरे तो उम्र उस टाइम पे थी 15 साल, भाई ने स्टार्ट किया उस टाइम पे वो 12 साल का, ये गार्डन में काम करता, वो 16-17 साल का था। उस टाइम से लोग जानते हैं हमको, अच्छा कि बोले तो ये कैसे डेवलप हो गए और कैसे बात करते, कभी चिड़चिड़ नहीं, सब ग्राहक हंस खेल के अपने से बात करते हैं। इधर से बाहर रहने गए तो भी वो ये एरिया में आए तो हमको मिलके जाते हैं, मिलके जाते, ऐसा रिस्पॉन्स है उनका। मतलब लोगों से अच्छा रिलेशन बना के रखा है, अच्छा रिलेशन, और आपकी क्वालिटी और टेस्ट भी आपने, टेस्ट है वैसी, और जो रोज का रोज प्रमाण है वही बनाते हैं हम, जैसा बढ़ते गए वैसा ही बढ़ाते गए। बराबर, और दुकान भी आपकी पूरी साफ सुथरी है, किसी इसका टेंशन नहीं, कस्टमर को अच्छा ही लगता है यहाँ आने। और सर एक आखिरी सवाल, हमारे जितने दर्शक हैं ये चाहते हैं उनका पानीपुरी का बिजनेस हो, तो एक कोई भी एक छोटी सी टिप दो तो लोगों को जो उनकी पानीपुरी अच्छे बनाने के लिए उनको मदद करे, कोई पानीपुरी बनाने की, पानीपुरी या फिर भेल या फिर कोई भी एक टिप जाके, क्योंकि ये घर पे इतना खास बनता नहीं है जैसे आपके दुकान में बढ़िया बनता है, तो एक छोटी टिप जो लोगों को मदद करे कोई भी। अच्छा, घर के लिए बनाने के नहीं, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए पानीपुरी भेल बनाने के लिए कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब है तुम अच्छे से चटनी उबाल के लो, अच्छा अच्छा प्याज काटो, अच्छा उसमें मिक्स करने के लिए मेहनत से बनाओ, अच्छा पूरे दिल से बनाओ, जो आप खुद के लिए खाने के लिए जैसा बनाते हैं वैसा ही कस्टमर को दो, बढ़िया लगेगा। बराबर, यही मैं मेरे ख्याल से तो मैं यही करता हूँ, जैसे मेरे को चाहता है कि मैं ये खाने वाला ये टेस्टी होगा वैसे ही आप उन समझे कि मैं ये खा रहा हूँ बोल के सामने वाले को दो ना, तो और बढ़िया लगेगा। बराबर, तो चटनी अगर आप उबाल के लेंगे, अच्छे से मटेरियल यूज करेंगे, खुद खा रहे ये समझ के अगर आप लोगों को खिलाएंगे तो और बढ़िया, तो आपका बिजनेस सफल होगा, आप बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों इस इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले दोस्तों इस इंटरव्यू में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जिनका इंटरव्यू लिया था उन्होंने ज़ीरो से इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको इस बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान ले कि अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो कोई कर रहा है, कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, आप भी अगर करेंगे तो इसमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा, किसी ने घर लिया है, गाड़ी ली है, तो अगर आप करेंगे आपको भी ये सब कुछ मिलेगा, ऐसा सोच के आप इस बिज़नेस को ना कीजिए। अगर आपको ये बिज़नेस करना है, अगर आपकी इच्छा है, पहले से आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में पहले से ये प्लान है, तो ज़रूर आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, पैसा भी अच्छा मिलता है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम लगती है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये बिज़नेस जब भी आप करेंगे तो पूरी तरह से लेबर पे आप डिपेंड ना रहिए। ये बिज़नेस को शुरू करने के लिए लेबर की तो ज़रूरत लगती है, कम से कम एक लेबर लगता है, पर पूरी तरह से आप लेबर पे डिपेंड ना रहे, आपको खुद को बिज़नेस सीखना चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए कैसे भेल पानीपुरी चाट आइटम बनते हैं। अगर आप ये खुद करते हो, खुद के ऊपर डिपेंड अगर आप हो, तो ज़रूर आप इस बिज़नेस को कीजिए, बहुत ही अच्छा बिज़नेस मॉडल है। इसके साथ में दोस्तों अगर आपका बजट कम है, मान के चलो आपका 2 लाख का भी बजट नहीं है, उससे भी कम है, तो आप एक काउंटर चला सकते हैं, थैला चला सकते हैं, या फिर दुकान के सामने जो फ्रंटेज होता है, जैसे मान के चलो कोई बैंक है, अब बैंक शाम को 4-5 बजे बंद होती है, तो उसके सामने का जो खाली जगह होता है वहाँ पे आप ये वो जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लोकेशन पे अगर जगह है तो वहाँ पे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं।
शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम कर सकते हैं। वहाँ पर रेंट भी आपको कम रहेगा, 10,000 के आसपास भी रेंट होगा, तो आप ज़रूर इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। और मान के चलो आपका बजट ज़्यादा है, 2 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एक दुकान लेके इस बिज़नेस की शुरुआत करें। वहाँ पे आप भेल के साथ साथ पानीपुरी, चाट, सैंडविच, कच्ची दाबेली, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आपको करना है बाकी आइटम भी बेच सकते हैं, ताकि आपका जो रेंट है 20 से 25 हज़ार रुपये वो आपको निकालने में आसान हो जाए। यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे 11 बजे बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। पर चाहे कुछ भी हो, आपको खुद को सीख के ये बिज़नेस करना चाहिए, पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी भेल चाट पानीपुरी बिज़नेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली हम अलग अलग बिज़नेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।